दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ गांव बछलोता में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संदर्भ में ये जानकारियां हासिल करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हमारे किसान भाई बहन इन योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। और इसी संदर्भ में आज हमारी चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बछलोता गाँव में। तो फिर आइए, देर किस बात की, चलते हैं गाँव की चौपाल में। तो किसान भाइयों बहनों, आ गए हैं हम बछलोता गांव की चौपाल में। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, आज हम यहां पर करेंगे चर्चा, और चर्चा करने के लिए कई किसान भाई यहां पर चौपाल में मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ। तो फिर आइए, देर किस बात की, कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूंगी, मैं चाहूंगी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर हंसराज सिंह है और जो कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ है उसमें अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ क्या हैं, किसान कैसे उनसे लाभान्वित हो सकते हैं? देखिए, फसल बीमा योजना का उद्देश्य ये है कि किसान भाइयों को किसी भी तरह से नुकसान अगर होता है, चाहे आपका अगर बीज खरीद लिया तो बरसात के कारण या अतिवृष्टि के कारण वो बो नहीं पाता है, या बो लिया तो उसमें कुछ और दिक्कत आती है, मतलब बुआई से लेके घर जाने तक अगर खलिहान में भी आग लग जाती है तो वो जो बीमा होता है किसान भाई को वो दी जाती है, क्योंकि किसान भाई का सब नुकसान हो जाता है। तो फसल बीमा का उद्देश्य ये है कि किसानों को जो फसल वार उनका बीमा होता है कि इस फसल में कितना बीमा होगा, और किसी भी कारण से, चाहे दैवीय आपदा हो या किसी कारण से कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई किसान को मिल जाए। बिल्कुल, आ रहिए, मैं आपको चाहूंगी कि आप अपने जगह पर बैठ जाएं और आइए चलते हैं हमारे किसान भाइयों के पास और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की वो किस प्रकार से जानकारी रखते हैं। यहाँ आपसे बात करना चाहूंगी मैं। जी, अपना नाम बताइए। चौधरी योगिंदर सिंह, ग्राम बछलोता। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैसी योजना लगती है आपको? योजना बहुत अच्छी है, बाकी उसका जो है हमारे जो अधिकारी हैं वो कोई भी एक्सप्रेस नहीं दे पाते हैं। वो किसान जो है आते हैं जाते हैं और वो कागजों में ही रह जाते हैं, बाकी मिलता कुछ नहीं। बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप अपनी जगह पर बैठ जाएं और इनके लिए तालियां तो बज गई हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही सटीक जो है वो अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं। आगे कई और किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनका रुख भी करते हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, मैं चाहूंगी आप खड़े हो जाए अपने स्थान पे। अपना नाम बताइए। कन्हैया जी, ग्राम बछलोता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या बताएंगे, आपको क्या लगता है किस तरह से किसान उससे लाभान्वित हो पा रहे हैं? उसमें कोई नहीं देता, कभी तो दे दे मैं बीमा, अपनी फसल मर गई ना, हमने तो दूसरी फसल लिखी, कभी भी दूसरी बता दे मैं, कोई बीमा वाली नहीं मिलता किसी को भी। चलिए, मैं चाहूंगी आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। हमारे कई और किसान भाई मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम है अवधेश सिंह मसंद, ग्राम बछलोता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या बताएंगे? वो भी बहुत अच्छी योजना है, उसमें अब हमारी कोई फसल में नुकसान होता है तो उसको हमें फुल बीमा मिलता है। और उसमें एक समस्या है सर कि जैसा कि हमने भरवाया था आलू का है, अधिकारी कहते हैं कि हमने आपके लिए चने के लिए भरा है, कोई दिक्कत बनती है, अधिकारी टाइम पर काम नहीं करते, जो बैंक के अधिकारी वो लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, फिर ऐसे कैसे गल हो जाते हैं, जो अनपढ़ किसान है उसको बिल्कुल पता ही नहीं है, उसे भगा देते हैं लोग। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए रुक करते हैं हमारे वैज्ञानिकों का, कई तरह की समस्याएं जो हैं वो हमारे किसानों के समक्ष जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं और हम बात करेंगे इसके बारे में कि कैसे उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। डॉक्टर हंसराज, कई तरह की समस्याएं जो हैं वो हमारे किसानों के समक्ष उत्पन्न हो रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में। कई हमारे किसान भाई हैं जिनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर कई तरह की समस्याएं आ रही हैं बीमा से संबंधित, किस तरह से निवारण करेंगे इनका? देखिए, ऐसा है किसान भाइयों में थोड़ा सा उनका समस्या तो है ही, उनके थोड़ा जागरूकता की भी कमी है। उसमें क्या हो रहा है कि जो बैंक में है वो किसान भाई खेत में एक्चुअल गेहूं बो रहे हैं और उनको जो बैंक में नोट करा रहा है कोई और फसल बो रहे हैं, वो दिखा रहे हैं,
तो जिस कारण जो है उनको नुकसान का जो भरपाई नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हम लोग जो है गाँव में किसानों के बीच में एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि आप जो है उन्हीं फसल को लें जो वहाँ रजिस्टर्ड हो। इसके बाद जैसे ही आपके यहाँ किसी दवी प्रकोप होता है, उस प्रकोप को सीधा अपने जो है बैंक के माध्यम से या जिला प्रशासन के माध्यम से, हम लोग माध्यम से उसको अवगत कराएं ताकि उसकी टीम गठित हो और कितना परसेंट नुकसान हुआ उसका भरपाई की जा सके। बिल्कुल, आपके पास जरूर एक बार फिर वापस आएंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य। योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ लें। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान, सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा, राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए रुक करते हैं हमारे कृषि जो यहाँ पर और कोई हमारे किसान बैठे हैं उनका, आपसे मैं बात करना चाहूंगी। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामपाल सिंह। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या बताएंगे? हाँ, बीमा योजना सही है, जब फसल नष्ट हो जाए तो उसका जो है मिल जाता है, उसका लाभ मिल जाता है, लाभ ले लेते हैं। हाँ, बढ़िया है जी, बिल्कुल। अपने स्थान पर आप वापस बैठ सकते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत स्पष्ट रूप से जो किसान अपनी बात रखते हैं आगे, तो वो निश्चित तौर पर आगे सरकार तक भी पहुंचती है और साथ ही जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी उनकी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो पाते हैं। आपसे मैं बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मनवीर है जी।
बनवीर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन जितने भी हम यहाँ बैठे हुए हैं उसका क्षेत्रफल, उसके रूल्स हमें किसी को पता नहीं है, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। 2011 में मैंने मटर का फसल बीमा करवाया था और उसके बाद ओले पड़ गए, फसल नष्ट हो गई। नष्ट होने के बाद में किसी ने भी उसके मुआवजा नहीं दिया, उसके बता दिया कि 3-4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के अंदर ये ओले गिरेंगे तब आपको बीमा मिलेगा। बिल्कुल, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। और आइए एक बार रुक कर लेते हैं हम अपने कृषि वैज्ञानिकों का और जानते हैं उनसे कि किस तरह की अगर समस्याएं जो हैं वो हमारे किसानों को आती हैं तो कैसे उनका समाधान किया जा सके। डॉक्टर हंसराज, यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी, हमारे कई किसान भाई ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं कि अगर किसी तरह की दैविक स्थिति अगर हो गई उनके साथ तो उनको बीमा जो है वो समय पर बीमा का जो पैसा है वो नहीं मिल पाता, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए ऐसा है कि किसान भाइयों में थोड़ा जागरूकता कमी है, हम लोग बार बार अवेयरनेस कर रहे हैं और इस बात का भी उनसे कह रहे हैं कि आप अगर कोई नुकसान है तो हमसे मिलिए, मैं बैंक वालों से बात करूंगा, चूंकि अंतोगत बैंक से होना है और यहाँ पर जिनको गवर्नमेंट ने नामित किया है वो एजेंसी को उसके माध्यम से, और यहाँ पर सबसे अच्छा यह है कि यहाँ जो उपनिदेशक कृषि प्रसार हैं उनसे संपर्क किया जाए, चूंकि वो उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो हम लोग भी किसान भाइयों को किसी नुकसान होता है तो चूँकि कृषि विज्ञान केंद्र एक तकनीकी ज्ञान का केंद्र है जी। तो किसान भाइयों की समस्या को समाधान के लिए बना हुआ है और अगर ये समस्या कोई आती है तो इनका प्रतिनिधि के रूप में हम वहाँ पर अपने से कृषि प्रसार से या बैंक मैनेजर से मिलकर इनकी समस्या का समाधान कराने के प्रयास करता हूँ। बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप जब जगह पर बैठ जाएं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्री परिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त, इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास, सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी, स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है।
कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम इधर का रुख करते हैं, यहाँ पर हमारे कई किसान भाई जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम उत्तम सिंह है, गाँव बसलोता जी। आपसे मैं जानना चाहूंगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। फसल बीमा योजना के बारे में हम ये जानते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा दी गई योजना बहुत ही लाभकारी है, लेकिन उसमें एक कमी है जी हमारे यहाँ पे। जो बीमा एजेंट कंपनी है जो फसल का बीमा करती हैं, इस बार बताया गया था कि आप बैंक में लिख के दे दीजिए आपका बीमा नहीं कटेगा, और उसमें 10,000 रुपये किसानों के काट लिए गए। बैंक में गए तो उन्होंने कहा कि हम जो है फिर देंगे आपका पैसा, वो पैसा आज तक नहीं मिला। प्रधानमंत्री की योजना सही है, बैंक की योजना सही है, लेकिन ये जो बीमा पॉलिसी कंपनी है इनकी योजना सही नहीं है। कई और हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं, आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी मैं यहाँ पे, अपना नाम बताइए। मोहित मसन, ग्राम पिछलौता जी। मोहित जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्या जानकारी रखते हैं। प्रधानमंत्री फसल योजना का बेनिफिट अच्छा है मैम, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे उसकी किसान की रिकवरी हो जाती, लेकिन अगर उसका उसे 100% बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर आग से या किसी भी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो उसकी उसे पूरी रिकवरी नहीं मिल पाती, तो इसमें कई तरह की खामियां भी हैं। बिल्कुल, तो इनके लिए भी यहाँ पर जोरदार तालियां हो जाए, बहुत अच्छी जो बातें हैं इन्होंने यहाँ पर रखी हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताइए। प्रदीप कुमार जी, फसल बीमा योजना के बारे में क्या बताएंगे। फसल बीमा योजना तो मैडम ये कागजों में ही है, ये तो इसमें लाभ तो किसी किसान को अभी तक मिला नहीं है हमारे यहाँ तो। अच्छा भाई, हमारे वहाँ क्रेडिट कार्ड से उन लोगों ने पैसे काट लिए और आपदा आई, हमारी फसल खराब हो गई, लाभ तो आज तक मिला नहीं है। 2015-16 में जब ओले पड़े थे, गेहूं की फसल खराब हो गई थी, तो किसी किसान को भी उसका लाभ नहीं मिला। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, बहुत अच्छे से जो है इन्होंने अपनी बात रखी है आगे। आप में से यहाँ पर कौन बताना चाहेगा मेरे को। बिल्कुल, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। आदेश कुमार, गांव बसलोता जी। आदेश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या बताएंगे। ये अच्छी योजना है, अगर इसका टाइम किसान को मिल जाए इसका लाभ तो अच्छा है इसका। डॉक्टर हंसराज, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और अब तो ये स्वैच्छिक भी हो गई है, इसके बारे में क्या बताएंगे किसानों को और जो उनकी समस्या है, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि उसका जो है वो आप निवारण करें। देखिए ऐसा है कि पहले तो कंपलसरी था कि आप जैसे ही केसीसी बनवाए, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे, वो आपका खरीफ का और रबी का फसलों के अनुसार वो कट जाता था, लेकिन अब किसान भाई अगर चाहें तो अपना बीमा नहीं करा सकते हैं, लेकिन उसको बैंक मैनेजर को लिखित रूप से देना पड़ेगा, और अच्छा ये होगा कि उसकी एक प्रतिलिपि मतलब रिसीव करा कर अपने पास प्राप्त कर लें, ताकि वो कोई मना न कर के हमें नहीं मिला। तो ये बात अभी थोड़ा सा किसानों के बीच में जागरूकता तो हम लोग पैदा कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत से किसान क्योंकि चाहे अनपढ़ बस या अज्ञानता बस उस बात को समझ नहीं रहे हैं, जबकि ये फसल बीमा योजना बहुत अच्छा है, क्योंकि किसान का अगर कोई नुकसान हो जाता, मान लो गेहूँ पूरी फसल पकी हुई है और किसी कारण आपदा हुआ,
बाढ़ आ गया, उसका जो है जल गया, तो किसान का पूरी पूंजी चली जाती है। और किसान एक निरीह प्राणी है और सबको अन्नदाता तो होता है लेकिन सबसे गरीब किसान होता है। तो किसान भाइयों को ये जागरूकता पैदा करना चाहिए कि बीमा, जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं हर आदमी अपना पर्सनल बीमा कराता है, इसके साथ साथ LIC की जो कंपनियां उससे लेता है और मेडिक्लेम पॉलिसी लेता है। क्यों? क्योंकि हम सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। तो इसी तरह किसान भाइयों को भी हमें चाहिए कि अपनी फसल का बीमा अवश्य कराएं, क्योंकि अगर कोई आपदा होती है तो उनका पूरा पूंजी चली जाती है और किसान ऑलरेडी कर्जे में रहता है तो कर्जा और दबे और बढ़ जाएगा। तो ये है कि उनकी जो भरपाई के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो है या प्रधानमंत्री जो आपका फसल बीमा है बहुत अच्छा। बिल्कुल, हमारे कुछ किसान भाई और भी पीछे बैठे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाएं जो हैं वो किसानों के हितों के लिए हैं और समय समय पर ऐसी योजनाएं लागू की जाती हैं कि जिससे हमारे किसान जो है लाभान्वित हो सकें और साथ ही साथ वो किसी भी तरह की जो आपदा अगर आती है आगे आने वाले समय में उससे लड़ने के लिए भी तैयार हो सकें। यहाँ पर पीछे भी हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद हैं, आइए उनका भी रुख करते हैं और उनसे भी जो है वो बातचीत करते हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अजीत कुमार है, बछलोते। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या बताएंगे? फसल बीमा योजना भी अच्छी है जी, अगर उसका पूरा लाभ मिल जाए तो। किस तरह से आपको लगता है कि अच्छी है? यही है कि किसान फसल बीमा योजना से है कि उसका आपदा में या किसी भी तरीके से उसका उसको रिकवरी मिल जाए तो, लेकिन रिकवरी जब मिलता है ना उसको उसका लाभ मिल पाए उसी से उसको अच्छा लगेगा, वरना तो अच्छी है ही नहीं। अगर उसको फायदा है तो अच्छी है, नहीं तो नहीं है। लेकिन आपको जब आपने इसके बारे में सुना तो आपको कैसी लगी ये योजना? जिस तरह से हम अपने जीवन का अपने लाइफ का जो है वो बीमा करवाते हैं ऐसे ही ठीक फसल उसके लिए तो बहुत अच्छी है जी। इनके लिए जोरदार तालियां हो गई। यहाँ पे आपसे मैं बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरनीत मसंदा जी, ग्राम बछलोता से। जी हरनीत जी, आप मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस तरह की योजना है? जी योजना तो सारी अच्छी है, सरकार किसानों के हित में ही सोच करके योजना बनाती है, लेकिन ये योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं मिल पाता है। या तो सरकार की जो टीमें बनाई गई हैं वो अच्छी नहीं है जो किसानों तक ये लाभ पहुंचा नहीं पा रही हैं। किसानों को अगर लाभ मिलता है लेकिन 1-2% मिलता है। अगर किसानों की फसल में 10 बार नुकसान हुआ है किसी भी चीज़ से, आग लगी है या ओलावृष्टि हुई है, 10 की भी 10 बार योजनाओं के लिए पैसा आता है किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए, लेकिन किसानों को मिलता 1-2 बार ही है, बाकी बार नहीं मिलता। योजना सारी अच्छी है लेकिन किसानों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इनके लिए भी बहुत ज़ोरदार तालियां हो जाए। देखिए यही होता है कि जब किसान अपनी बातें अच्छी तरह से जो है वो अपने रखते हैं आगे कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष, तभी उनकी समस्याओं का जो है वो निदान हो सकता है। योजनाएं हर किसान को जो है वो अच्छी लगती हैं क्योंकि सरकार का जो पहला एक कदम है वो किसानों की ओर ही है कि जो हमारे जो किसान हैं, जो हमारा अन्नदाता है, वो जो है एक बेहतर ज़िंदगी जो है वो जी पाए। लेकिन कई तरह की समस्याएँ भी जब आप काम करते हैं, कई तरह की समस्याएं आपके समक्ष उत्पन्न होती हैं जिनका निदान या तो सरकार कर सकती है या फिर कृषि वैज्ञानिक। जब तक आप अपनी बात अच्छी तरह से एक अच्छे रूप में सरकार के आगे या कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष नहीं रख पाते हैं तब तक आपकी समस्या का भी समाधान नहीं हो पाता। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम के माध्यम से दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए गांव कुछ और योजनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।